खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। चंद्रशेखर आजाद के पिता थोड़े क्रोधी थे, जिसकी कमी माँ अपने वात्सल्य से पूरी करती थी। आजाद को भी अपनी माँ से अतिशय प्रेम था। उनके साथी वैशम पायन अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद में लिखते हैं कि जब आखिरी दिनों में चंद्रशेखर आजाद मुझसे मिले थे तो उन्होंने मुझसे कहा था, देखो देश तो एक दिन आजाद होगा, अगर तुम उस दिन तक जीवित रहो तो घर जाकर एक बार मेरी माँ से मिल लेना। इस तरह का बलिदान और त्याग होता है क्रांतिकारी का। दुर्गा भाभी कहती हैं कि आजाद कभी बिस्तर पर सोया नहीं करते, आम तौर पर वो जमीन पर पुराने अखबार बिछाकर सो जाया करते। शायद वो अपने आप को किसी तरह के सुख का आदि नहीं बनाना चाहते थे। चंद्रशेखर आजाद को अच्छे स्वादिष्ट भोजन का शौक था। जब कोई दावत देता तो वे प्रेम से भोजन करते। उन्हें घी डालकर दाल चावल की खिचड़ी बहुत पसंद थी। लेकिन आखिरी 8 सालों में आजाद बहुत कम मात्रा में भोजन करते थे। वे पूरे दिन में 2 रोटी और उसके साथ गुड़ के 2 टुकड़े खा लिया करते। जब उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते तो वे 1 आने का भुना चना खरीद कर खा लेते और पानी पीकर अपनी भूख शांत करते। उस समय क्रांतिकारियों से सहानुभूति रखने वाले कुछ लोग तो थे, लेकिन मदद करने वाले बहुत बहुत कम। अधिकतर गरीब घर के लड़के ही आज़ादी की लड़ाई में उतरते और इनके पास पैसे की तंगी होती। इन सब के बीच में आज़ाद टीम बनाने के लिए बहुत मेहनत किया करते। क्रांतिकारी को भर्ती करने के बाद उसे कई सारी चीज़ें और स्किल्स सिखाते। क्रांतिकारी दोस्त नंद किशोर निगम किताब बलिदान में लिखते हैं, आज़ाद दल के साथियों को अच्छी अच्छी किताबें लाकर दिया करते थे, लेकिन अगर कोई सेक्स या यौन संबंधी उपन्यास पढ़ता तो उन्हें काफ़ी चिढ़ होती। औरतों पर बुरी नज़र रखने वाले, अपने आप पर कंट्रोल न कर पाने वाले लोगों को चंद्रशेखर आज़ाद अपने आसपास फटकने नहीं देते। नंद किशोर निगम जी आगे कहते हैं कि आज़ाद की बातों में कभी मायूसी नहीं होती। उनके मुंह से ईश्वर का नाम कभी नहीं सुना, ना कभी उन्होंने ईश्वर से परेशानियों के लिए शिकायत की, ना कभी मदद या चमत्कार की उम्मीद रखी। चंद्रशेखर आज़ाद को हमेशा अपनी मेहनत और कौशल पर भरोसा था। जब कोई क्रांतिकारी पकड़ा जाता तो चंद्रशेखर आज़ाद को ऐसा लगता कि किसी ने मेरे शरीर का हिस्सा काट लिया है। वे कई दिनों तक परेशान और उद्विग्न रहते, लेकिन वे हताश कभी नहीं हुए। काकोरी कांड के बाद जब 2 को छोड़कर सारे क्रांतिकारी पकड़े गए, तब भी आज़ाद ने हिम्मत नहीं हारी। कुछ समय अज्ञातवास में रहे, फिर शहर शहर घूमकर संगठन और पार्टी मेंबर्स को एक्टिव किया। आज़ाद अपने पिता के जैसे ही स्वाभिमानी और हठी थे। जो एक बार तय कर लिया वो तो अब करना है, ये आज़ाद का हमेशा से स्वभाव था। एक बार पिता ने घर के बाहर निकाल दिया कि जब तक माफ़ी नहीं मांगोगे घर के अंदर नहीं आओगे। इसके बाद आज़ाद कभी घर के अंदर नहीं गए। वे 13 साल की उम्र में ही घर छोड़कर चल दिए। पहले चचेरे भाई के यहाँ गए, फिर वहाँ से भी सुबह 4 बजे निकल गए। 24 घंटे लगातार रेल की पटरियों पर चलते हुए अगली सुबह दोहद रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां एक गाड़ी खड़ी हुई थी और उसमें जाकर लेट गए। थके हुए चूर तो थे ही, तत्काल नींद लग गई। जब नींद खुली तो बंबई आ चुके थे। बंबई में उन्हें ठेले पर बर्तन धोने का काम मिल गया। यहां चंद्रशेखर आजाद ने पैसे कमाना और दुनिया के तौर तरीके सीख लिए थे, लेकिन उनका बंबई की होड़ में मन नहीं लगा। वे बनारस आ गए। चंद्रशेखर आजाद में एक और खूबी थी, वे पक्के निश्चय के धनी थे। जिस चीज में मन लगाते उसे बहुत जल्दी सीख लेते। बनारस आकर उन्हें कुश्ती कसरत का शौक लगा, तो उन्होंने दंड लगाना और कसरत करना शुरू कर दिया। वे पूरी जिंदगी हर दिन कई 100 दंड लगाते थे। उस समय बनारस में एक गुंडा रहता था। ये गुंडा पैसे निकलवाने, शरीफ लोगों को धमकाने जैसे काम करता था। व्यापारियों और थानेदार के साथ इस गुंडे की साठगांठ थी, जिस कारण ये बेधड़क लड़कियां भी छेड़ने लगा था। 15 साल के चंद्रशेखर आजाद के सामने इस गुंडे ने लड़की को छेड़ दिया। उस लड़की ने वहीं चिल्लाना शुरू किया तो गुंडा लड़की को और डराने लगा। ये बात 15 साल के आजाद से देखी नहीं गई। उन्होंने गुंडे को ललकारा तो गुंडे ने बोला, तू छोटा बच्चा है, जब असली दांत आए तब मुझसे भिड़ना। लेकिन इतने में चंद्रशेखर आजाद उस लंबे चौड़े गुंडे पर चढ़ गए और पैतरा लगाकर गला दबोच लिया। आजाद ने गुंडे से बोला कि अगर तुम उस लड़की को बहन बुलाकर माफी नहीं मांगोगे तो मैं यहीं तेरा गला दबा दूंगा। उस गुंडे के साथ 2 और मुश्टंडे भी थे।
लेकिन भीड़ इकट्ठी होने पर उनकी हिम्मत जाती रही। आखिर गुंडे को माफी मांगनी ही पड़ी। वो गुंडा शर्मसार होकर रातों रात बनारस छोड़कर चला गया। इस तरह चंद्रशेखर आजाद बनारस में प्रसिद्ध हो गए कि ऐसा बहादुर और शक्ति वाला लड़का है बनारस में। जैसे ही ये बात आचार्य नरेंद्र देव को पता चली, वैसे ही वो चंद्रशेखर को काशी विद्यापीठ ले आए। जब उनको पता चला कि आजाद घर छोड़कर आए हैं, तो उन्होंने उनको हिंदी और संस्कृत सीखने को कहा और अपने पास ही रहने का इंतजाम कर दिया। फिर वो प्रसिद्ध घटना हुई जो सबको पता है। जब मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आजाद। तुम्हारे पिता कौन है? स्वाधीन। तुम कहाँ रहते हो? जेल में। इन जवाबों से उखड़कर मजिस्ट्रेट ने 15 बैतों की सजा सुनाई। होता यह है कि जब बैत पढ़ते हैं तो वो अपने साथ खाल और चर्बी खींच लेते हैं। बैत पढ़ते ही लोग चीख पड़ते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं। लेकिन जेलर ने देखा कि कमर और पैर खून से सन चुके हैं, चमड़ी उधड़ गई है, लेकिन वो बच्चा हर बैत के साथ नारे लगा रहा है। एक बूंद आंसू इसकी आंखों से नहीं गिरा। जेलर सरदार गुंडा सिंह चंद्रशेखर आजाद को अपने घर ले गए, गर्म दूध पिलाया और मलम लगाई। चंद्रशेखर आजाद में गजब का शौर्य और मानसिक शक्ति थी। इसके साथ साथ चंद्रशेखर आजाद प्लानिंग में भी बहुत माहिर थे। साथ में वो बहुत सावधानी रखते। जब भी कोई आजाद को जानने वाला क्रांतिकारी पकड़ा जाता तो चंद्रशेखर आजाद तत्काल अपने रहने की जगह बदल देते। इसी वजह से कई मुखबिरों के बावजूद पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई। उनके जीवन में केवल 4 ही फोटो खींच सके हैं, क्योंकि वो अंग्रेजों को कोई सुराग छोड़ना नहीं चाहते थे। अगर कोई फोटो खींचता तो वे उसे नष्ट करवाते थे। फिर भी उनके चाहने वालों ने एक फोटो बचा लिया। वो इस महान इंसान का परिचय हम सबसे करवाना चाहते थे। HSRA के कमांडर इन चीफ चंद्रशेखर आजाद का निशाना इतना गजब का था कि उस समय का अंग्रेज पुलिस सुपरिंटेंडेंट कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में चंद्रशेखर आजाद से अच्छा निशानेबाज नहीं देखा। आखिरी दिन अंग्रेजों की किस्मत रही कि गोलीबारी की शुरुआत में ही चंद्रशेखर आजाद को 2 गोलियां लग चुकी थी। अगर ऐसा नहीं होता तो आजाद वहां से भी निकल जाते, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का निशाना अचूक था। उन्होंने बचपन में भील बच्चों के साथ तीर चलाने का अभ्यास किया था और अज्ञातवास के समय भी चंद्रशेखर आजाद भीलों के साथ रहे थे। जब पिस्तौल चलती है तो गन पाउडर का धुआं उड़ता है। इस धुएं को देखकर चंद्रशेखर आजाद ने एक सब इंस्पेक्टर के सर को निशाना बनाया, जो दूर छाड़ी की ओट में छिपा हुआ था। अपने जीवन काल के मात्र 8 सालों में, यानी 16 से 24 साल की उम्र के बीच में, चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों के दिमाग में इतना खौफ पैदा किया था कि नॉट बाबर, जिसने पहली गोली चलाई थी चंद्रशेखर आजाद पर, उसकी दोबारा गोली चलाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उसे डर था कहीं गोली की आवाज सुनकर आजाद उस पर निशाना ना लगा दे। जब 15 मिनट गोलियां नहीं चली, तब बावर ने एक हवलदार को निष्क्रिय आजाद के पैरों पर निशाना लगाने को कहा। चंद्रशेखर आजाद उस दिन अपना वादा निभा गए। दुश्मनों की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद हैं, आजादी रहेंगे। दुर्गा भाभी और सुशीला दीदी एक पत्र में लिखती हैं, आजाद का चरित्र दहकते हुए अंगारे के समान चमकता था। उनके त्याग और लगन ने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित किया। पार्टी में चंद्रशेखर आजाद का आदेश था कि कोई भी सदस्य औरत को गलत नजर से नहीं देख सकता, वरना चंद्रशेखर आजाद की पहली गोली का वही शिकार होगा। आखिरी में चंद्रशेखर आजाद के 2 कोट्स। पहला कैरेक्टर पर, आजाद कहते हैं कि जिसने अपना चरित्र खोया है उसका पतन निश्चित है, इसलिए कभी भी ऐसा काम मत करो जिससे तुम्हें नजर झुकानी पड़े। दूसरा कोट सफलता पर, चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि दूसरों से कंपेयर मत करो, बल्कि खुद अपने रिकॉर्ड्स तोड़ो, सफलता खुद से लड़के जीतने में है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो महाराणा प्रताप के जीवन से 2 प्रैक्टिकल लेसन्स आप सीख सकते हैं। अगला वीडियो जरूर देखिए और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।